होटल से बाहर निकलने के लिए मैं अक्सर होटल से मुल्हिका एक मॉल का रास्ता इख्तियार करता हूँ। इस मॉल में बहुत से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। आज हमारी मंजिल कुवैत टावर्स है। Assalamu alaikum. We have to go to Kuwait Towers. Thank you. यहाँ अक्सर टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी हैं, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर मुकीम हैं, जैसे कि 10, 15, 20 साल से या शायद इससे भी ज़्यादा। दूर से कुवैत टावर्स दिलफरेब नज़र आ रहे हैं। कुवैत में अमूमन सब्ज़ा हर जगह पर नहीं पाया जाता, लेकिन अच्छे अच्छे लैंडमार्क्स और तफरी गाहों पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत मेहरबान, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, ये रहे कुवैत टावर्स। ये तीन टावर्स हैं कुवैत सिटी में और पर्शियन गल्फ यानी खलीज फारस के किनारे पर, साहिल समंदर पर ये तीन टावर्स बनाए गए हैं। इन टावर्स की तामीर 1979 में मुकम्मल हो गई थी और मार्च 1979 में ही इन टावर्स की इनॉग्रेशन की गई थी। और ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है मॉडर्न कुवैत का और ऑब्वियसली एक सिंबल भी हैं, कुवैत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टावर्स मार्च 2012 से लेके मार्च 2016 तक बंद रहे थे, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस की गई थी। मेन टावर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक कैफ़े है। ये रिवॉल्विंग है, यानी अगर आप कैफ़े में बैठे हुए हैं तो हर आधे घंटे के बाद आप घूमकर उसी जगह पर वापस आ जाएंगे जहाँ पर आप बैठे हुए थे, और चारों तरफ से शहर का नज़ारा भी हो जाएगा। और नीचे वाले हिस्से में पानी स्टोर किया जाता है, इसी तरह दूसरे टावर में भी पानी स्टोर किया जाता है। इनमें तकरीबन 24 लाख गैलन पानी स्टोर किया जा सकता है। अलबत्ता तीसरे टावर में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं। टावर्स के साथ साथ साहिल समंदर पर खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है, जहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। मई के आखिरी दिनों में दर्जा हरारत यहाँ कुवैत सिटी में तकरीबन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, लेकिन इस वक्त चूँकि शाम है और दर्जा हरारत थोड़ा सा कम हुआ हुआ है और तकरीबन 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत है। आइए अब आपको यहाँ करीब ही मौजूद एक प्ले एरिया में ले चलते हैं। ये कोई जंग का मंज़र नहीं है, बल्कि बच्चों और टीनेजर्स के लिए यहाँ पर एक पेंट बॉल वॉर एरिया बनाया गया है, जहाँ पर पेंट से भरी हुई बॉल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फायर की जाती हैं, और यहाँ मखसूस लिबास पहनकर टीनेजर्स इस खेल से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं।
मगरिब के बाद यहाँ पर ज़्यादा लोगों की आमदोरफ़्त शुरू हो जाती है और कोई टावर्स भी रोशनियों से जगमगा उठता है। खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले बहुत से ट्रक्स भी आपको यहाँ पर जगह जगह खड़े हुए नज़र आएंगे और यहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और मुख्तलिफ चीज़ें ले सकते हैं। रात होते ही कुवैत सिटी रोशनियों से जगमगा उठता है। बिजली और पेट्रोल यहाँ पर सस्ते हैं और लोगों की दस्तरस में है। कोरोना की वजह से रौनक कुछ कम है, लेकिन अभी भी लोग रात को बाहर निकलना पसंद करते हैं। ये है शालीमार अल मिरकाब रेस्टोरेंट, जो कि एक पाकिस्तानी भाई चला रहे हैं। ये अब्दुल गफ्फार साहब हैं जनाब, और यहाँ पर ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। कोविड की वजह से अभी सिर्फ टेक अवे की इजाज़त है, वहाँ बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता। मेरे वीडियो बनाने के दौरान अब्दुल गफ्फार साहब को मालूम हुआ कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। फिर हम आएंगे नहीं, वरना प्लीज मेहरबानी करके ना हमें दावत पे बुलाओ। कोई बात नहीं सर। खाना लेकर अपने होटल की राह ली।